से तड़प रहे बूढ़े बाप ने शाम के समय खाना मांगा तो नशे में धूत बेटा व बहू ने मिलकर बाप को मौत के घाट उतार दिया। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव की है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्यारोपी बेटा संजय सुंडी व बहू मुनि सुंडी को मंगलवार को गांव से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम सिलाई सुंडी 60 वर्षीय है। मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक ने बताया कि मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर संजय व मनीषा को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक नरसंडा गांव निवासी संजय सुंडी ने सोमवार की शाम को अपनी पत्नी के साथ हड़िया पी लिया था। नशे में होने की वजह से दोनों घर में लेटे हुए थे। रात करीब 8 बजे बूढ़े पिता सिलाई सुंडी को भूख लगी। उसने अपने बेटे व बहू से खाना परोसने के लिए कहा। नशे में होने के कारण बेटा बहू ने बात अनसुनी कर दी। भूख बढ़ने पर पिता ने फिर से दोनों को खाना देने के लिए कहा। बार बार बुलाने से बेटा संजय व बहू मनीषा गुस्से में आ गए। बेटा बहू ने मिलकर सिलाई को पिटना शुरू कर दिया। नशे की हालत में दोनों ने बूढ़े पिता की हाथ व डंडे से इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी कि उसकी घर पर ही मौत हो गई। पिता की मौत हो जाने पर दोनों घबरा गए। इस बीच घटना की जानकारी गांव के मुंडा को हो गई। उसने रात में ही मुफस्सिल थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने देर रात नरसंडा गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सिलाई सुंडी के शव को जब्त कर थाना ले आई। इस दौरान मृतक के बेटा व बहू को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया तथा हत्या आरोपियों को न्यायिक सुरक्षा में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। Every welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।